अभी हम हैं बगोदर विधानसभा अंतर्गत क्षेत्र में और आप जानते हैं कि पब्लिक का रिपोर्ट क्या है, किन किन मुद्दों के साथ पब्लिक वोट करेगी, क्या विकास हुआ वर्तमान 5 साल का सरकार रहा। तो चचा सबसे पहले आपको जोहार। जोहार, जय झारखंड। जैसे इस बार चुनाव पहला चरण तो हो गया, दूसरा चरण बाकी है जी। तो इस बार आप वोट किन किन मुद्दों के साथ करेंगे? हम देश के साथ, विकास के साथ सपोर्ट करेंगे। देश और विकास। हाँ। अच्छा, स्वास्थ्य विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा कैसा है? स्वास्थ्य तो जी सब तो बेकार है। पहले लोग ओपनिंग किया, हॉस्पिटल मजबूत है, यहाँ देखिए तालाब के पास। अच्छा, आप दिखा सकते हैं कैमरा वाला, लाइव में भी दिखा सकते हैं। आज इतना साल से बना पड़ा है, हमारी माँ बहन बेटियां हॉस्पिटल, एक डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल भागना पड़ता है। 6000 यहाँ बूथ है, वोट है, पब्लिक बाहर जाता है ट्रीटमेंट के लिए। जो भी नेता आता है सब अपना झंडा साइन बोर्ड लगा के चला जाएगा। तो इस बार किनको वोट कर रहे हैं, माले या भाजपा? भाजपा है सर, भाजपा। हाँ, मोदी जी के साथ है सबका, मोदी जी के साथ। हाँ सर, आपका विचार क्या है? झारखंड जोहार। हम यही बात रखते हैं कि जब तक हेमंत सरकार आया तब तक गुंडागर्दी बढ़ गया, जब तक रघुवर दास था तब तक सही था। अच्छा, इसीलिए जब तक है हाँ, मोदी जी तब तो उसी सपोर्ट करें। अच्छा, विनोद कुमार सिंह झारखंड के उत्कृष्ट विधायकों में माने जा रहे हैं, क्या विकास किए? कुछ नहीं विकास किया, देखने तक नहीं आता है वो, कभी नहीं, नहीं देखने भी नहीं आता। अच्छा, इसलिए भाजपा को? हम लोग भाजपा ही वोट है। आइए जानते हैं। और हमारे जो भी अभी नया चुनाव करके आएंगे, सबसे पहले सुधार करना है तो ब्लॉक में कीजिए। अच्छा, कोई भी पेपर, कोई भी आयकर रसीद कटाने जाओ बिना घुस के काम नहीं होता है बगोदर ब्लॉक में। खास करके बगोदर ब्लॉक में साफ विधायक जी कहते हैं कि अगर कोई 500 लिया तो समझो विधायक लिया पैसा। हाँ, ऐसा ही चल रहा है सर। एक गांव की बात है, एक आधार कार्ड ओपनिंग करने के लिए 1500 मांगते लोग, अभी पीएम किसान कार्ड के लिए भी तो ज्यादा। अच्छा, ऊंचे पद पर है ना, तो मोदी सरकार, जैसे मोदी सरकार चाहते हैं डबल इंजन, तो उसको तो बच्चे सबको तो देना चाहिए ना रोजगार। आइए चाचा जी, भैया इस बार चुनाव में किनको ला रहे हैं? बीजेपी सरकार। बीजेपी का है हेमंत सोरेन, ठीक नहीं रहेगा? हम लोग हिंदू राष्ट्र है, हिंदू के साथ चलते। अरे बहुत बड़ी बात बोले आप, हिंदू राष्ट्र बीजेपी के साथ रहेगा, चाहे कोई भी रहे, हेमंत सोरेन रहे, रघुवर दास रहे, तो नागेंद्र बात रहे, हिंदू राष्ट्र के साथ है। बीजेपी के साथ। इस बार किनको ला रहे हैं? हम लोग आएगा तो मोदी सरकार आएगा, आप कौन आएगा? मोदी सरकार जी। हाँ, हेमंत सोरेन ठीक नहीं रहेगा? जेल में, जब जेल का हवा घुस रहा है तो उसको कहा उसको। अच्छा अच्छा, मुख्यमंत्री जेल में जा रहे हैं तो? हाँ, तो पब्लिक कहे नहीं जा सकते। अच्छा, क्या रहेगा? हाँ, कमलफूल रहेगा, कमले फूल, कमल कमल फूल है, कमल फूल है। अच्छा, ये विधायक जी जो हैं विनोद सिंह, वो तो उत्कृष्ट विधायक हैं, तो काम इधर नहीं हुआ क्या विकास? नहीं, कुछ नहीं, वो खाली लेना चुरा लेता है और देना कुछ नहीं। हॉस्पिटल कितना तय है? अच्छा हाँ, सामने है वो, चालू नहीं कर पाया हॉस्पिटल, चालू मतलब बिल्डिंग खड़ा है, डॉक्टर का व्यवस्था नहीं है? नहीं। अच्छा, तो इस बार चोट देंगे वोट से? नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, कमल फूल में सब देगा इधर, कमल फूल। आपका भैया? सुनिए सर, मैं तो एक यहाँ का मैं नहीं हूँ, सुनिए, मैं यहाँ का नहीं, मैं गिरिडीह का हूँ। अच्छा, यहाँ मैं रहता हूँ किशोर मंडल भैया के पास में। हम लोग देखिए, हम लोग तो पूर्ण तो जब भी कभी भी वोट हुआ है तो हम लोग तो बहुत पूर्ण समय हम लोग देते जा रहे हैं, हम लोग मोदी का, मोदी का। हाँ, हम लोग, मेरा गांव है बहादुरपुर, गिरिडीह, गिरिडीह जिला पड़ता है। अच्छा अच्छा, बहादुरपुर मेरा गांव हुआ। लोकसभा में तो मोदी जी को बहुत वोट किए उधर? हाँ, तो लोकसभा में भी वोट किया हम लोग, हम लोग ना, हम लोग जो है ना, हम लोग पूर्ण से हम लोग मोदी जी को चाहते हैं। अच्छा, अभी भी? अभी हम लोग भी मोदी तरफ से। अच्छा ठीक है, उधर भी गिरिडीह तरफ फूल ही चलेगा, फूल ही चलेगा, 80% फूल है, 80% फूल है, बाकी बस दूसरा क्या रहेगा? इस बार चुनाव जैसे नजदीक है, किनको वोट करेंगे, किनको ला रहे हैं झारखंड में, बता दे। वार्ड सदस्य से बात कीजिए। वार्ड सदस्य बताबे कर रहे, बीजेपी आ रहा है। बीजेपी का है, विनोद सिंह जैसे माले से हैं, विकास नहीं हुआ क्या? नहीं, वो 30 साल रहा लेकिन कुछ विकास नहीं किया हम लोग का। रहने के बाद 30 साल में क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ 30 साल में, कुछ नहीं हुआ। अरे वहाँ तो ले रहे हैं, हमारे वो करने नहीं कर रहे हैं, हम हिंदू है, हम हिंदू के परंपरा है निभाते। अच्छा, बहुत बड़ी बात बोले भैया जी, हिंदू है पहला। अच्छा, विकास नहीं, हिंदू पे ही चलेगा सिर्फ? नहीं नहीं, हर जगह हिंदू पे सिर्फ नहीं चलेगा, हर जगह, लेकिन हम लोग का गांव में ना
कुछ विकास नहीं किया अभी तक 30 साल से। अच्छा अच्छा ठीक है। बीजेपी हम लोग जब से बीजेपी आया हम लोग को देखे सब चीज दिया, इसके लिए हम लोग बीजेपी को चुन रहे हैं। बीजेपी ही? हाँ। अच्छा अच्छा, पिछले बार रहा कार्यकाल नागेंद्र महतो का, 3 साल इस बार भी रहेगा नागेंद्र महतो का। अच्छा। और भारी बहुमत से उसको जिताई। एक बच्चा बच्चा बोलता है बीजेपी 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 बीजेपी, मतलब केंद्र में भी बीजेपी और स्टेट में भी। हाँ। जी, कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये चल रहा है कि 5 साल में जो विधायक जी रहे वो विकास कहीं नहीं दिखा, और उसके जहज मतलब इस बार यहाँ परिवर्तन चाह रहे हैं लोग।